दोस्तों आज मैं आपको तरबूज के छिलकों से बिजौरी और बड़ी बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने तरबूज के कुछ छिलके लिए हैं जिनका हरा वाला जो हिस्सा है या हरा छिलका है उसे मैं अलग करूँगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी पोहा लिया है, मोटा या पतला कोई भी पोहा आप ले सकते हैं जिसे हमें पीस के पाउडर बनाना है। एक कटोरी मैंने धुली हुई उड़द की दाल लिया है जिसे 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगा दिया था और जिसे अब मैं पीसूँगी। हींग, जीरा, नमक, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और 2 तरह की तिल ली है, काली तिल और सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तरबूज के छिलके हैं उनके हरे हिस्से को हमें अलग करना है। ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों, इसलिए आप इन्हें छीलकर अलग कर दें और बाकी का जो सफ़ेद हिस्सा है उसे हमें काम में लेना है। तो इस तरह से मैं सभी तरबूज के हरे छिलके को अलग कर रही हूँ, साथ ही तरबूज में जो थोड़ा बहुत लाल इसका लगा हुआ है इसे भी आप अलग कर लें ताकि हमारी जो बिजौरी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आए, बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों ये बिजौरियाँ। तो इस तरह से मैंने तरबूज के सभी छिलकों के लाल हिस्से को अलग किया, देख लीजिए दोस्तों, और हरे हिस्से को अलग करके किसनी से कीस लिया है। अब ये फटाफट किसाते जा रहे हैं, आपके पास मोटे छेद वाली किसनी तब तो और भी अच्छा है, और साथ ही आप इस तरीके से भी इसे कीस सकते हैं। अगर हरा छिलका नहीं निकालना चाहते हैं तो आप हरे छिलके सहित कीस सकते हैं, जैसे ही हरा छिलका है आप उसे निकाल कर अलग कर दें। तो 2 तरीके से कीस सकते हैं, हरा छिलका रिमूव करके भी कीस सकते हैं। और अब हम पोहे को पीस के इसका पाउडर बना लेंगे, उड़द की दाल को पीस कर इसकी पेठी बना लेंगे। तो पीसते समय मैंने ध्यान रखा है कि बिल्कुल भी पानी न डालूं, क्योंकि तरबूज के छिलके जो हमने अभी कीसा है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और नहीं तो हमारी बड़ियों का पेस्ट बहुत गीला हो जाएगा। लहसुन और हरी मिर्ची को हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। तो दोस्तों ये जो तरबूज के छिलके का छिलके होते हैं जिसको हमने अभी ग्रेट किया है, कीस के रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है और इतना पानी हम यूज़ करेंगे तो हमारी बिजौरियाँ बहुत गीली हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से सूप वाली जो छन्नी होती है, मोटे तार वाली छन्नी में इसे दबा दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा रस है, उसे मैं अलग रिमूव कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं इसे जो हमने ग्रेट करके रखा है बहुत अच्छी तरह से ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया है। अब हम आसानी से इसकी बड़ियां बना सकते हैं। तो मैंने जो 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी उसे मैंने पीस के डाल दिया है। 2 तरह की तिल्ली, सफ़ेद और काली, आप ज़रूर डालें दोस्तों, इससे बिजौरियाँ दिखती भी सुंदर हैं और मज़ा भी आता है। हरी मिर्ची और लहसुन जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, बहुत बारीक पेस्ट ना करें, वो भी डाल दिया है। हींग डाला है मैंने 1/2 चम्मच, जीरा डालेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। और सबसे पहले हम सभी चीज़ों को मिक्स कर दें। अभी मैंने पोहे का पाउडर नहीं डाला है, हम उसे पोहे के पाउडर को अंदाज से डालेंगे जितनी ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों 2 चम्मच मैंने पोहे का पाउडर डाला। इस तरह से हमें रोक रोक कर ही पोहे का पाउडर डालना है ताकि हमारी बिजौरियाँ हैं ज़्यादा ड्राई ना होने पाए। तो इस तरह से मैंने बिजौरी का और बड़ी का पेस्ट तैयार कर लिया। बढ़िया हमारा ये पेस्ट बन गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल डो जैसे हम आटे करते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसी। अब मैंने इस बड़ी को डालने के लिए मैंने एक ट्रे ले लिया है, आपके पास बड़ी परात है तब तो बहुत अच्छा है। एक मैंने पतला कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है इसके ऊपर जिसमें हम इन बिजौरियों को डालेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा दे रही हूँ मैं इस कपड़े पर ताकि जब हम बिजौरियों को निकालें तो वो आसानी से निकल जाएँ और कपड़े पर चिपके ना। ये बहुत अच्छी टिप्स है दोस्तों, इसका ध्यान रखें कि जो भी पतला कपड़ा लें उसे पानी से गीला कर दें। अब आप यदि इसकी बड़ी बनाना चाहते हैं तो बस इस तरह से छोटी छोटी सी गोल गोल बड़ियाँ बना लें। और यदि आप इसकी बिजौरी बनाना चाहते हैं तो बिजौरी थोड़ी गोल और चपटी होती है दोस्तों, ये देखें। तो इस तरह से मैं हाथों में पानी लगा ली हूँ और गोले ले रही हूँ बिजौरी के पेस्ट का, और इस तरह से हाथों से दबा के फ्लैट कर दिया है मैंने इसे, और गोल गोल चपटी बिजौरियाँ और बड़ियाँ दोनों तैयार हैं। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, तरबूज के छिलकों का कितना अच्छा उपयोग है। अब मैं इसे धूप में रख रही हूँ, 2 दिन में ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाती हैं। ये देखिए मैंने इसे धूप में रखा है और 2रे दिन मैं इसे हल्का सा पलट दे रही हूँ ताकि एक तरफ जो मेरी बिजौरियाँ और बड़ियाँ सूख गई हैं वो दूसरी तरफ से भी सनलाइट में रहें और ड्राई हो जाएँ। और फिर हम इसे साल भर तक के स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, जब भी आप खाना खाना चाहते हैं और उसे तब इसे फ्रेश तलें, बहुत ज़्यादा समय पहले इसे तल के ना रखें, नहीं तो इसका क्रिस्पीपन कम हो जाता है।
लंच और डिनर दोनों में आप इसे तल सकते हैं। इस तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करें। कोशिश करें कि हर चीज़ों को कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन में रखें, प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ कम करें। तो इस तरह से मैंने सभी बिजोरियाँ बिल्कुल सूख गई हैं, दो दिन में इन्हें इस डब्बे में भर रही हूँ। कुछ बिजोरियों को मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। बहुत ही कम तेल लगता है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा पूरा जार भर गया है। तो इस तरह से आप भी तरबूज के छिलकों को कभी ना फेंकें और ज़रूर इस बिजोरी को बनाएं। चावल दाल के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसे खाने में बहुत मज़ा आता है, कुरकुरी। तो ये देखिए कढ़ाई में तेल रखा है, बिजोरियाँ डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखना है, बहुत ही जल्दी ये लाल हो जाती है, इसलिए धीमी आँच पे ही तलना है। इसे तलने में बहुत कम तेल का यूज़ होता है दोस्तों, बहुत कम तेल पीती हैं, तो ये मत सोचिए कि बहुत ऑयली रहेंगी। एक एक बार मैंने इसे पलट दिया है और ये हमारी बिजोरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाइए। तो दोस्तों देखा कितना अच्छा उपयोग है तरबूज के छिलकों का। अब आप इसे कभी मत फेंकें और घर पर इन छिलकों से आप ये बिजोरियाँ और बड़ियाँ बनाकर बहुत रख सकते हैं, पूरे एक साल तक के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कढ़ाई में जितना तेल था वो पूरा ही बच जाएगा, बहुत कम तेल का यूज़ किया है। फिर भी मैंने इसे एक पेपर नैपकिन में निकाल दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब आप देख रहे हैं बहुत ही कुरकुरी बनी हुई हैं हमारी ये भिजौरियाँ, क्योंकि हमने इसमें पोहे का पाउडर डाला है, पोहे को पीस के डाला, इससे इसमें और भी ज़्यादा क्रिस्पीनेस आ गई है। और इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताएं कि तरबूज के छिलके से बनी हुई ये भिजौरियाँ आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को करना।